कहाँ बेटा, कब शहीद हुए थे? 2019 में कोट प्रोया में हुआ था, क्लास के रोड पे। तो वहाँ पे कोट प्रोया में बाबा पुलिस मुकाबले में शहीद हो गए थे। तो कितनी बेटियां हैं आप? जी मैं माशाल्लाह हम 5 बेटियां 3 बहन भाई हैं। तो, अच्छा जी, कहाँ पे शहीद हुए थे आपके लिए? ये मधुली रोड पे, नौ आप चौक। सन 2018। कहाँ पे? ना जोड़ा में। सिंबॉलिक के लिए प्रेजेंटेड है, फूलों का गुलदस्ता है जो सीपीओ गुजरांवाला जाकर रखेंगे शुहदा की, जो अलामती यहां पर बनाई गई है यादगार वहां पर रखेंगे, और एक उसके बाद जो है वो फूलों का गुलदस्ता है जो रीजनल पुलिस ऑफिसर रखेंगे। यहां पर हमें बताया गया कि कमिश्नर साहब और डीसी साहब भी आ रहे हैं, लेकिन चूंकि ये पुलिस के शुहदा हैं इसलिए जो सिंबॉलिकली फूलों के गुलदस्ते बनाए गए हैं ये काफ़ी वजनी है, ये आरपीओ गुजरांवाला इसको रखेंगे। पुलिस की बाकी टीमें, तमाम मेहमान आ चुके हैं, जब यहाँ पर रखेंगे तकरीबात होंगी हम आपको बताएंगे लम्हा बलम्हा कि यहाँ पर क्या हो रहा है, और हो सकता है हम जो शुहदा की फैमिली उनसे भी बात करने की कोशिश करें, और जो शुहदा हैं जिनके जिनको सिंबॉलिकली आज फूल पेश किए जा रहे हैं हम उनके नाम भी बताने की कोशिश करेंगे। मैं शाहिद मुनीर हूँ और आज पाकिस्तान में योम शुहदा मनाया जा रहा है। पूरे पाकिस्तान की तरह गुजरांवाला में भी आज इस तरह की तकरीबात हो रही हैं जिसमें शुहदा की फैमिलियों को बुलाया गया है उनको खराज तहसीन पेश करने के लिए, क्योंकि ये कायनात का सबसे ज़्यादा मुश्किल काम होता है। आप माल देते हैं, वक्त देते हैं, जान नहीं देते। यकीनन वो लोग हमारे मुल्क का, हमारे कौम का, हमारे शहर का, पुलिस के वो जवान सरमाया हैं जिन्होंने इस मुल्क में अमन अमान कायम करने के लिए अपनी जानों का नजराना पेश किया। आज उस सिलसिले में यहाँ पर एक शुहदा कॉन्फ्रेंस हो रही है, हम वहाँ पर जाएंगे, फैमिली से बात करेंगे, पुलिस अफसरान से बात करेंगे, और वो जानने की कोशिश करेंगे कि योम शुहदा के मौका पर उनका क्या पैगाम है। तुम में से जो अल्लाह की राह में मारे जाएँ उन्हें मुर्दा मत कहो, वो जिंदा हैं, रिज्क ले रहे हैं और तुम्हें इसका इदराक नहीं है। तो शहीद ये सिर्फ हम ही हमारे पाकिस्तान में ही शहीदों के दिन में नहीं मनाए जाते, बल्कि पूरी दुनिया में ऐसा है कि पूरी दुनिया में जो शहीद हैं, जो उनके मुल्क के लिए या उनकी आवाम के लिए या कौम के लिए जो मारे जाते हैं वो उसी तरह एहतराम के साथ उनके वो दिन को सेलिब्रेट करते हैं। ऐसा मानते हैं कि ये लोग हैं जो कौमों को ज़िंदगी देते हैं, जिनसे सोसाइटियाँ महफूज होती हैं, जिनसे अमन कायम होता है। ज़ाहिर है कोई डाकू से लड़ रहा है, कोई दहशतगर्दों से लड़ रहा है, कोई क्रिमिनल से लड़ रहा है, तो ये कितना मुश्किल काम होता है उस फैमिली के लिए बर्दाश्त करना, इनका बच्चा चला जाता है, गो के वतन के लिए जाता है, आप उन फैमिलियों से कंडोलेंस की कभी आपने? जी ऐसा ही है कि जहाँ जिस तरह इस तरह के वाक़ कभी होते हैं तो मैं आरपीओ साहब, डीसी, हमारे डीपीओ, हम उन घरों में जाते हैं, उन लोगों को हर तरह की तसल्ली और तशफ़ी देते हैं। अब तो उन शुहदा के बच्चों के लिए गवर्नमेंट ने बहुत सारे पैकेजेस का भी ऐलान किया हुआ है कि उनके घर उनको दिए जाते हैं, उनको प्लाट दिए जाते हैं, उनके बच्चों के लिए फ्री तालीम दी जाती है। दूसरा मैं एक और चीज़ इसमें ऐड करूंगा, उसमें इजाफा करूंगा कि शहीद बड़ा खूबसूरत एक और लफ्ज़ कहा गया है कि ये वो लोग हैं जिन्होंने अपना आज हमारे कल के लिए कुर्बान कर दिया। थैंक यू। गुजरांवाला पुलिस के शहीद हैं वो 102 शहीद हैं, हम 102 शहीदों के अमीर हैं, ठीक है। लेकिन आज की वो वाली फैमिली जो मोस्ट रिसेंट हैं जिनके बच्चे छोटे हैं, वो हमने 17 फैमिली बुलाई हैं, ठीक है। उनके 32 शहदा के जो बच्चे हैं उनको बुलवाया है, ठीक है। और ये एक सिम्बॉलिक रिप्रेजेंटेशन है उनकी, ठीक है, ताकि हम ये तमाम लोगों को बता सकें कि हम अपने शहीद का बड़ा ख्याल करें। कंपनसेशन भी है कोई, या आज जो शहदा को बुलाया गया इसका क्या मकसद है? नहीं, ये तो आज यादगार, ये जो 4 अगस्त है ये शायद आपको इसका बैकग्राउंड पता हो कि हमारे सफवत गयूर शहीद का ये योम शहादत yes. है, और पुलिस पूरे पाकिस्तान में आज के दिन को बतौर योम शहदाए पुलिस का नाम सफवत गयूर के नाम से हाजी है। तो ये उस हवाले से आज की तकरीब है, हमने ये तकरीबात का आगाज कल शाम से शुरू कर दिया। ये सारा सिम्बोलिक होगा, हमने देखा कि आपने फूल भी लाए हैं, लोगों के नाम शहदा के लिखे हुए हैं, दोबारा ये रखे जाएंगे मुख्तलिफ अफसरान के। और दूसरे नंबर पे ये है कि ये क्योंकि आज के दिन की निस्बत से मैं बता रहा था कि कल हम तमाम अफसरान शहदा की कब्रों पे गए हैं, मैं खुद गया हूँ, आरपीओ साहब ने जाहिद गोंदल शहीद मलिक बहाउद्दीन उधर उन्होंने जाना है, और इसी तरह के साथ हाँ जी बिल्कुल।
तो वो तमाम के तमाम जो अफसरान हैं वो अपने अपने जो उनके इलाके में जो शहीदों की कब्रें हैं वहाँ पे गए हैं। ये जो सर आप फूल रख रहे हैं, जो फैमिलीज हैं जिनको आपने सिम्बॉलिकली बुलाया है, वो भी साथ होंगी या नहीं? फैमिलीज को हमने ऑडिटोरियम में बैठाया हुआ है, तमाम फैमिलीज जो हैं वो इंशाल्लाह ताला जो बैठी हुई हैं, हम उनकी आप भी वहीं पे होंगे। उनको बुलाने का क्या मकसद है? उनको स्टेज पे बुलाएंगे जी, हम उनको स्टेज पे भी वैसे बिठा के उनको ये बताया जाएगा कि पुलिस डिपार्टमेंट पूरी इंतजामिया पूरा सिस्टम आपके साथ खड़ा है। थैंक यू वेरी मच। ये सीपीओ गुजरांवाला थे, ये बता रहे थे कि आज के दिन के हवाले से कि ये योम शुहदा है आज, सिफवत गयूर पुलिस के कमांडर जो शहीद हुए थे खुदकुश हमले से, उनकी आज के दिन की शहादत है, उस दिन के हवाले से इस दिन को मनाया जा रहा है। आज बताया गया कि गुजरांवाला से 17 के करीब शुहदा की फैमिली को जो रिसेंटली पुलिस के शुहदा है, जिसमें जो लाहौर के अंदर खुदकुश हमला हुआ जिसमें कैप्टन मुबीन जादी और मंडी भाउद्दीन के कैसेस भी शहीद हुए, उनके घरों पर भी गए, उनकी कब्रों पर भी पुलिस होकर आई है। आज यहाँ पर सिम्बोलिकली जो बड़े शुहदा है उनके यहाँ पर उनकी दोबारा जिस तरह फूल चढ़ाए जाते हैं किसी शहीद की कब्र के ऊपर, चूँकि सिम्बोलिकली ये शुहदा के यहाँ पर यादगारें बनाई गई हैं, उनके ऊपर दोबारा फूल रखे जाएंगे, जिसके मेहमान खुशी गुजरांवाला के आरपी होंगे, सीपीओ होंगे, डीसी साहब होंगे और सीपीओ गुजरांवाला यासरीन जो अभी हमारे साथ बात कर रहे थे। यकीनन ये उन फैमिलियों की हौसला अफजाई होगी जिनके बच्चों ने वतन के लिए जान की कुर्बानी दी है। नीचे पंख लगी, नीचे पंख। अस्सलाम वालेकुम, आपकी शहीद की बेटी है? मोहम्मद अमीन शहीद की बेटी। कहाँ बेटा, कब शहीद हुए थे? 2019 में। इधर बताए ना किस जगह पे मुकाबला हुआ था? कोर्ट टोया में हुआ था, क्लास के रोड पे, तो वहाँ पे कोर्ट टोया में बाबा पुलिस मुकाबले में शहीद हो गए थे। कौन थे लोग? वो मंशियात वगैरह फरोख्त करने वाले थे, उनको पकड़ने गए थे। तो कितनी बेटियां हैं आप? जी मैं माशाल्लाह हम 5 बेटियां 3 बहन भाई हैं। तो किस स्कूल में पढ़ते हैं आप? हम बच्ची दी स्पिरिट स्कूल पढ़े हैं, हम कॉलेज पढ़े हैं स्पिरिट। तो वो जो पुलिस वालों ने अभी कहा कि आपको सारा कुछ मिल रहा है, मिल रहा है बेटा? जी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मिल रहा है। तो आप क्या बनना चाहती हैं? आप तो कॉलेज में आ गई, तो आप क्या ज्वाइन करना चाहती हैं? पुलिस ज्वाइन करना चाहेंगी, क्या करना चाहेंगी? इंशाल्लाह पुलिस ज्वाइन करना चाहेंगी। किस क्लास में आप? हम थर्ड ईयर में एडमिशन लेना दिया। थर्ड ईयर में क्या करना करेंगी आप? अब बीएस इंग्लिश। शाबाश। तो एफए में कितने नंबर थे आप इंग्लिश में? अलग सेपरेट नहीं पता। आपके एफए में नंबर अच्छे थे? जी माशाल्लाह। ठीक है, वहाँ किस क्लास में पढ़ती हो? आपके पापा का, आपके पापा कौन शहीद हुआ था आपका? क्या? कौन शहीद हुआ था आपका? किसकी बेटी हो? रिजवान की। रिजवान, इसका बाप क्या था जी? मैं बाप हूँ। अच्छा, आप जो किस शहीद की बेटी है? मैं जी। हाँ, शहीद की बेटी है। शहीद कौन सर, क्या नाम था उसका? बेटा है ना, बेटा है ना, बात करें इस्लाम में। आपके क्या लगते थे? मेरे शोहर। अच्छा जी, कहाँ पे शहीद हुए थे आपके? ये मधुली रोड पे, नवाब चौक। नवाब चौक में क्या हुआ था पुलिस मुकाबले? डाकुओं से। कब किस साल में हुए थे ये? 2020 2023 में? 2020 2020 में। हाँ जी। कितने बच्चे हैं आपके? मेरे 3 बच्चे हैं। स्कूल में पढ़ रहे हैं? हाँ जी। अच्छा, आप किस शहीद की हैं बेटी हैं बहन? मैं ना वाइफ हूँ उसका। अच्छा, कौन सा शहीद? साबर जवेद। साबर जवेद कब शहीद हुए थे बेटा? सन 2018। हाँ, सन 2018। कहाँ पे? ना जोड़ा में, जोड़ा चौकी। ट्राली वाला ऊपर चढ़ाई कर। आप कितने बच्चे हैं? मेरा बेटा बेटी। तो ये किस स्कूल में पढ़ रहे हैं? ये ना बेटा कॉलेज आ रहा है जिनाबाद। तो ये आपको बेटा पुलिस फंड से पढ़ रही है? कौन फीस दे रहा है आपकी? पुलिस वाली दे रही है। किस स्कूल में मेरे बच्चे? प्राइवेट। प्राइवेट स्कूल, स्कूल का नाम पैराडाइज जोड़ा में है। जोड़ा कहाँ बनता है? ओचरेपुर के साथ में। हाँ, के करीब।